स्ट्रेट लाइन, एक्शन ऑफ ए फोर्स 5 न्यूटन। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। चलो ये बॉडी है, अब फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। हम लोगों को नहीं पता है कि वो फोर्स किधर लग रहा है इस पर, 5 न्यूटन का लग रहा है ये तो पता है। वर्क डन 25 जूल हो गया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अगर ये बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है तो मान लो जो फोर्स है वो थीटा डिग्री पर लग रहा है और वो 5 न्यूटन का है और कुल मिला के जो वर्क डन है वो 25 जूल है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स वर्क डन 25 जूल हो गया, फोर्स 5 न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर हो गया और यहां से आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था।